जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी हमीरपुर जिला की क्लास, जिसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे आज, जो कि जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े हुए सवाल है हमारे की जल विद्युत परियोजना। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि एकमात्र जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, जो हमीरपुर जिला है, इसकी इकलौती जल विद्युत परियोजना है। ये इकलौती समझ रहे, जिसका एकमात्र है, यानी कि धौला सिद्ध परियोजना 66 मेगावाट की है और अभी भी काम लगा हुआ है। अगर आप सुजानपुर से नदौन की तरफ जाते हैं, कहां को, सुजानपुर टू नदौन, नदौन के रास्ते में जाएंगे तो बीच रास्ते में आपको ये भी मिलेगी, दो सड़का जगह आती है, वहां से हम टर्न लेते हैं नदौन के लिए, तो वहां पर आपको ये परियोजना देखने को मिलेगी। भोला सिद्ध परियोजना है जो कि व्यास नदी पर है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है कि हमीरपुर की एकमात्र नदी है भी यही है, और ये कांगड़ा और हमीरपुर की क्या है, ये सीमा को भी बनाती है, बाउंड्री लाइन भी। बात क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा जो है वो 2020 में जो है एक निर्णय लिया गया कि लागत की बात करते हैं कि 987.97 करोड़ की लागत है, यानी कि पैसों की है, कि भैया वहां पर हम एक जल विद्युत परियोजना बनाएंगे, मगर ये जो जल विद्युत परियोजना होगी वो बनेगी बिल्ड ओवर ऑन ऑपरेट मेंटेन पर, यानी कि रन ऑफ रिवर योजना भी बोलते हैं। कौन सी योजना होगी, रन ऑफ रिवर योजना, व्यास नदी पर बनाई जा रही है। अभी तक जो है परियोजना में अनुमानित लागत जो है वो 687 करोड़ लगाए गए हैं या लागत करोड़ पे है अनुमानित किया गया है, पर इस परियोजना को पूरी या पूरा होने में ये परियोजना जो है 90% जो है विश्वसनीय वर्ष 300, यानी कि जब ये तैयार हो जाएगी तो 304 मिलियन यूनिट जो है वो विद्युत जो है उत्पादित करेगी। ठीक जी, तो एकमात्र ये परियोजना है हमीरपुर जिला की, और अब हमीरपुर के महत्वपूर्ण तथ्य बोल सकते हैं या फैक्ट्स बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ। पहला क्वेश्चन है द्योड़ सिद्ध, बाबा द्योड़ सिद्ध जैसे भी जाते हैं अपने अपने शादियों के बाद जाते हैं अपनी अपनी दुल्हन को लेकर, तो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है जी द्योड़ सिद्ध में, और ये भी हमीरपुर में ही पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हमीरपुर के पक्का भ्रू जगह है हमीरपुर में, वहां पर हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड यानी कि HPSSC जो कि सुक्खू सरकार द्वारा जो है, हम इस वक्त की सरकार की बात करें तो सरकार द्वारा जो है ये इस वक्त निलंबित किया गया बोर्ड है, जो चयनित बोर्ड है अधीन सेवाओं का, तो इसको अभी इसको कैंसल कर दिया गया है या से जो है बंद कर दिया गया है। ठीक है जी, तो जल्दी ही ये भी चल पड़ेगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं। भोरंज के डुंगरी में नवोदय स्कूल है, जैसे कि कांगड़ा में जो है वो पपरोला में नवोदय स्कूल है, वैसे ही भोरंज के डुंगरी नामक स्थान पर जो है नवोदय स्कूल है। हमीरपुर के पकपडोह में आकाशवाणी है, अगर ये याद ना रहे तो अणु याद रख लीजिएगा, कौन सी जगह, अणु में ही जो है वो आकाशवाणी केंद्र है। हमीरपुर के ताल में जो है भेड़ प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताल जगह जो है वो बहुत ही फेमस है हमीरपुर जिला की। जिलाड़ी में दूध अभी शीतलम केंद्र है, इसी प्रकार से हमीरपुर में NIT है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, हमीरपुर में हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल की बात करें तो आपको पता है
पर है? सुजानपुर में। कहाँ पे है? सुजानपुर टीला है, आपने ये भी माइंड में रखना है। हमीरपुर के गसोत्ता मेला, पिपलू मेला और सायर मेला। सायर जो है ना वो होली वाला मेला है, सुजानपुर में लगता है। ठीक है, चालू किया। तो ये मेले जो है हमीरपुर के प्रमुख मेले भी हैं। इसी प्रकार से और भी मेले लगते हैं। तो सुजानपुर टीला के को राजधानी के रूप में विकसित यानी कि बनाया था, तो सरदार चंद के द्वारा जो है सुजानपुर टीला को विकसित किया गया था उनके द्वारा। कटोच वंश का संबंध जो है वो हमीरपुर से ही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला। कटोच वंश का संबंध किससे है? तो हमीरपुर से है। हमीरपुर जिले का नदौड़ कस्बा जो है वो ब्यास नदी के किनारे पर। और नेक्स्ट आ जाता है आपका, हमीरपुर की स्थापना किससे की थी? तो हमीर चंद के द्वारा जो है हमीरपुर की स्थापना की गई 1809 से लेकर 46 ईस्वी तक जो है ये सिखों के अधीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? बनेगा कि सिखों के अधीन हमीरपुर कब आया या कब से कब तक रहा था? महल मोरियो जहां संसार चंद और गोरखाओं के बीच लड़ाई हुई थी, तो हमीरपुर जिले में स्थित है ये महल मोरियो। तो सवाल यहां से बन गया, महल मोरियो कहाँ पर है, या सिखों की लड़ाई संसार चंद के साथ कहाँ पर हुई, या ठीक है। और नेक्स्ट आता है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश का जो जिला है वो 1972 में ये हमीरपुर को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है हमीरपुर यानी कि का साक्षरता दर, या कि साक्षरता दर की बात करें 88.15% है। हमीरपुर में 1846 से लेकर ब्रिटिश पंजाब तथा आजाद भारत के पंजाब का हिस्सा जो है यानी कि 1966 तक ये रहा है। नेक्स्ट आता है 1748 में सुजानपुर टीरा की जो नींव है वो अभय चंद ने रखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि सुजानपुर टीरा की नींव किसने रखी थी? तो अभय चंद। नेक्स्ट आ जाता है हमीरपुर में ब्रिज जैसी होली किसने शुरू? तो होली जो है वो संसार चंद ने द्वारा शुरू की। नेक्स्ट आता है विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला है? आपको मैंने बताया है लांस नायक लाला राम को जो है विक्टोरिया क्रॉस मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये जरूर बताइएगा। 16 सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है, याद रखिएगा। और आपको पता है सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है या चोटी कौन सी है? वो अवाह देवी है। कौन सी है? अवा देवी जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी गिनी जाती है हमीरपुर जिला की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से और लेके चलते हैं हमीरपुर के प्रशासनिक विकास खंड 2000 में ये 6 थे। हमीरपुर का जुड़ा हुआ वंश कटोच वंश जैसे मैंने आपको बोला बताया। हर्बल गार्डन हमीरपुर में कहाँ है? हर्बल गार्डन तो ये नेरी नामक स्थान पर है। कांगड़ा के किले पर महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे के बाद संसार चंद ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? सुजानपुर टीला में ही स्थापित की थी। यशपाल का जन्म आपको पता है भूपल में हुआ है, और ये एक कौन है? साहित्यकार है यशपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, नदौड़ किस वर्ष जो है उपमंडल बना? 1975 में। नदौड़ता या नदौड़ ही बोलिएगा। भोरंज बड़सर कहाँ पर है? ये भी हमीरपुर के प्रमुख शहर है। इसी प्रकार से धार्मिक स्थल में बात करें तो मट्टन सिद्ध जो है ये कहाँ पर है? ये भी हमीरपुर जिला में ही आता है। यहाँ पे भी मट्टन सिद्ध में मेले लगते हैं। हमीरपुर जिले की किस स्थान पर HPMC शीत गृह यानी कि वेजिटेबल पैक हाउस है? तो वो नदौड़ में स्थित है हमीरपुर के, क्योंकि HPMC के जो है आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट जो हैं चाहे खाद्य हो चाहे अचार वगैरह हो या फिर आपकी स्कैश वगैरह की बात कर सकते। हमीरपुर के किस
राजा ने कानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया, संसार चंद ने बनाया। हमीरपुर के किस वर्ष तक जो है पंजाब प्रांत का हिस्सा रहा, 1966। हमीरपुर को किस वर्ष में अलग करके जो है वो जिला बनाया है, जिला ये 1972। हमीरपुर जिले के मंडी से अलग करने वाली कौन सी खंड है, खंड का नाम बोले, खंड नहीं होगा खड है ये, ड खंड ठीक है, तो सीर खंड कौन सी है, सीर खंड जो मंडी से अलग करती है। जखधार, सोलह धिंगीधार, चबूतरा धार, ये हमीरपुर की तीन धारे हैं, याद रखनी है, आपको शुरू में ही बताया। हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ सेवा HPPSC स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। हमीरपुर तहसील जो है भोरंज किस स्थान पर जो है, ये देखिए डुंगरी में स्थान पे जो है जवाहर नवोदय पुल है। क्षेत्रीय NIIT की बात कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ है, 1986 से। कोला सिद्ध जल विद्युत परियोजना 66 मेगावाट आपको बताया काम चला है, अभी बन रही है। सबसे ऊंची चोटी ये देखिए अवाह देवी, मैंने जैसे आपको बताया हमीरपुर की ब्रिज जैसी होली संसार चंद ने जो है वो आरंभ की थी। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम हमीरपुर जिला से जुड़े हुए लेकर आए थे। तो आज के सवाल आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।